देख रहे हैं ghamasound.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। ओडिशा के गांव में अपने बेटे और बहू के दुर्व्यवहार से तंग आकर एक बुजुर्ग पत्रकार ने अपनी संपत्ति सरकार के नाम लिख सबको चौंका दिया है। बुजुर्ग का कहना है कि उसकी जमीन पर एक वृद्धाश्रम बनाया जाए जहां उसके जैसे दूसरे बुजुर्ग अपने जीवन के आखिरी पर सुकून से बिता सके। बुजुर्ग ने मरने के बाद अपनी अस्थियों को भी बेटे बहू को नहीं दिए जाने की बात कही है। ये पूरा मामला जाजपुर के दशरथपुर ब्लॉक के मुरारीपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां 75 वर्षीय पूर्व पत्रकार खेत्रमोहन मिश्रा रहते हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे और बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राज्य सरकार के नाम करने का फैसला किया है। बकुल खेत्रमोहन वो अपनी बची हुई जिंदगी किसी वृद्धाश्रम में बिताना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि ये वृद्धाश्रम उनकी ही जमीन पर बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुजुर्ग खेत्रमोहन के पास एक आलीशान घर, जमीन जैसी कई महंगी संपत्तियां हैं। इस मामले में जाजपुर के डीएम ने बताया कि अस्थायी तौर पर जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्ग के रहने की व्यवस्था पास के ही एक वृद्धाश्रम में की जा रही है। डीएम के मुताबिक बुजुर्ग ने प्रशासन से कहा कि उसके मरने के बाद अस्थियों को बेटी बहू को ना दिया जाए। एक अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग की इच्छा है कि उसकी दान दी हुई जमीन पर एक वृद्धाश्रम बनाया जाए। ऐसे में जिला प्रशासन ने बुजुर्ग की जमीन पर वृद्धाश्रम बनवाने का फैसला लिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.